प्रभु तेरे गीत गाओ तेरे संग रहूं मैं पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु तू ही मेरी मंजिल प्रभु पर मेरी अटल आशा है। तेरी दया के कारण मैं हर्षित होऊंगा और आनंद मनाऊंगा क्योंकि तूने मेरी दीन दशा पर कृपा दृष्टि की है। स्तोत्र 30। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में हम 40 के 34 सप्ताह में पहुंचे हैं। प्रार्थना करें कि हम सबको अधिकाधिक प्रभु की कृपा और अनुकंपा का अनुभव हमको मिले। हम इन दिनों में गंभीर परिस्थिति में गुजर रहे हैं, हमको इसका अर्थ नहीं पता है, लेकिन एक दिन जरूर प्रभु हमको स्पष्ट करेगा। लेकिन हमारी प्रार्थना होनी है कि अधिकाधिक हम दिनों दिन हर क्षण हर पल हर वेले हम भरोसे में बढ़ते जाए और प्रार्थना में सजग रहकर सेवा में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हर परिस्थिति से हमको बचाए। आज हम हमारे फादर जो थॉमस की याद करें क्योंकि इस संसार से गुजर गए हैं। आज हम उनका पार्थिव शरीर उस मिट्टी में हम सौंप देंगे जिस मिट्टी से वो बनाया गया था। प्रार्थना करें कि प्रभु उनको अनंत सुख शांति प्रदान करें उनके प्रविधायी जीवन के लिए। ईश्वर को धन्यवाद दें सब सेवा जो उन्होंने हमारे इस महान धर्म प्रांत में निभाई है, इसके लिए धन्यवाद देते हुए उनके आत्मा शांति के हम प्रार्थना करें। आइए हम सब नम्रता पूर्वक अपने पापों की आत्मे पापों के लिए पश्चतावे लेकिन प्रभु के अनुकंपा और दया पर भरोसा रखते हुए आज का इस पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाए और चढ़ाने के योग पर बन जाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से और अपना कर्तव्य पुराना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए सब संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे सारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें हे पिता
तू अपूर्व संस्कारों के द्वारा संसार को नया बनाता है, ऐसा वर दे कि तेरी कलीसिया स्वर्गिक शिक्षा का पालन करती हुई आगे बढ़े और लौकिक बातों में भी तेरी सहायता से वंचित ना रहे। ये कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तीर्थ तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना मिलाव। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। वहां ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे और ना कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे ना कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा, जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वह शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे, वे दाख बारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाद। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। हे प्रभु, तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाला, तूने मुझे मृत्यु से बचा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मुझे उद्धार किया। प्रभु के भक्त उसके आदर में गीत गाए और उसके पवित्र नाम की महिमा करे। उसका क्रोध क्षण भर का है, किंतु उसकी कृपा जीवन पर बनी रहती है। संध्या ही रोना पड़े, किंतु प्राप्त काल आनंद ही आनंद होता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर, तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तेरी स्तुति करता रहूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ ही। संत योहन्न के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु समरिया से विदा होकर गलीलिया गए। यीशु ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोग उनका स्वागत किया, क्योंकि यीशु ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था, पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वह फिर गलीलिया के काना नगर गए, जहां उन्होंने पानी का अंगूरी बना दिया था। कफरनाऊ में राज के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि यीशु यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं, तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह निवेदन किया कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने के होता। यीशु ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तर चमत्कार देखो, बिना विश्वास ही नहीं करेंगे।
इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा ना। यीशु ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य यीशु के वचन पर विश्वास कर चला गया। वो रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे कहने लगे, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय यीशु ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। ये यीशु का दूसरा चमत्कार था जिसे उन्होंने यहूदिया से गलीली आने के बाद दिखाया। पूरे अस्तित्व से हम प्रभु पर विश्वास करें और आज के इस पवित्र सुसमाचार में हमने सुना है कैसे इस पद अधिकारी ने प्रभु पर विश्वास किया। तो भी प्रभु ने यह भी कहा कि आप लोग अगर चिन्ह नहीं देखते हो तो विश्वास नहीं करोगे, लेकिन प्रभु ने ये चिन्ह दिखाया, ये करामत दिखाई, ये चमत्कार दिखाया। और सुसमाचार कहता है उस पद अधिकारी और उसके पूरे परिवार ने प्रभु पर विश्वास किया, क्योंकि उनके जीवन में ये आनंद आया, उनके जीवन में ये खुशी आई, मतलब उनका बेटा चंगा हो गया। प्रभु ने ये फरमाया, प्रभु ने ये आश्वासन दिया, जाओ और तुम्हारा बेटा ठीक होगा, और ठीक जैसे प्रभु ने कहा था उसी तरह हुआ। और सारे प्रभु के चमत्कार, जैसे संत यूहन्ना हमको कहता है, ये चिन्ह है कि हमारा कारणकर्ता हमारे बीच में है, हमारा मुक्तिदाता हमारे बीच में है, हमारा मसीहा हमारे बीच में है। प्रभु ने जो हमारी बीमारियां थी, कमजोरियां थी, हमारे पाप थे, वो सब कुछ अपने लिए हैं, और प्रभु हमारे लिए ही बन गया है पाप, ताकि हम पाप मुक्त हो जाए। यह है प्रभु यीशु क्राइस्ट हमारे बीच में, लेकिन हमने प्रभु पर विश्वास करना है कि सचमुच वही है जो इस धरती पर आया है ताकि हमारा जीवन बच जाए। क्या मांगा है प्रभु ने हमारे से? प्रभु मांगता है कि हम परिवर्तित हो जाए, हम अपने पापों के लिए पश्चाताप, हम अपनी कमजोरियों को समझें, हम पापों को हम समझें, और पुराना जीवन पीछे छोड़ के हम नए जीवन में हम प्रवेश करें। यह है जो प्रभु ने मांगा है, प्रभु का आह्वान हमारे लिए, परिवर्तित हो जाओ, पश्चाताओ, क्योंकि स्वर्ग राज निकट है। और स्वर्ग राज है, जैसे कि आज के पहले पाठ में यशायाह नबी के ग्रंथ से पहला पाठ जो है वो उसमें हमको बताया गया है, 65 अध्याय, कि प्रभु सब कुछ नया बनाएगा हमारे लिए, तब यरूशलेम मुझे आदर प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप, वहां ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और ना कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे ना कर पाए। मतलब वहां सब कुछ जो हम चाहते हैं, जो हमारा उल्लास है, वो होगा। लेकिन ये प्रतीक मात्र है, जो ईश्वर ने हमें वचन दिया है, जिसकी प्रतिज्ञा की है, ये सिर्फ एक सांसारिक तौर पे नहीं है,
ताकि हमको इस धरती पर ही सब कुछ अच्छा मिले भौतिक तौर पे। जो ईसाई नबी हमको कहता है वो है भविष्यवाणी स्वर्ग राज की। सच्ची सुख शांति हमको सिर्फ स्वर्ग राज में मिल सकती है, सिर्फ अनंत जीवन में। प्रभु ने हमको कहा वो खजाना ढूंढ लिया करो जो सड़ता नहीं है, चोर नहीं छुड़ाता है, लेकिन जो हमेशा के लिए टिकता है, यह स्वर्ग राज। हमने गलती नहीं करनी है यह समझकर कि जो वचन कहता है वो सिर्फ इस धरती के लिए है, इस संसार के जीवन के लिए है, कि यहीं पर ही हमको सब कुछ अच्छा मिलना है। प्रभु ने ये हमको नहीं बताया है। प्रभु ने कहा आपने अपना क्रूस ढोना है और मेरे पीछे होना है। प्रभु ने कहा अपने दुख सहना है। अगर आप अपने आप को ना त्यागते हो, कुर्बान नहीं करते हो, तो मेरा शिष्य नहीं हो सकते हो। अपना क्रूस ढोकर, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। जो मेरे साथ मरेगा वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, नया जीवन प्राप्त करेगा, स्वर्ग राज प्राप्त करेगा, पुनरुत्थान प्राप्त करेगा। यह है प्रभु के शब्द हमारे लिए। तो प्रार्थना करें कि ये जो हमारा सच्चा विश्वास है वो बढ़ता जाए, दिनों दिन अधिकाधिक प्रभु के शिष्य बने, प्रभु के मार्ग पर चले, मार्गदर्शन पर चले, और एक दिन हम सब स्वर्ग राज में पहुंच जाए। और विशेषकर आज के दिन हम हमारे प्यारे फादर जोसेफ थॉमस के लिए प्रार्थना करें, ताकि उनको और जिसका ये अनंत सुख शांति उनको प्राप्त हो। Hymn number 296. जीवन के प्रगति से प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू शारीरिक तपस्या के प्रभाव से हमारे दुर्गुणों का दमन करता है तथा हमारा मन अपनी ओर आकृष्ट कर मनोबल के साथ हमें पूरी जीवन का पुरस्कार प्रदान करता है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पावन 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 ईश्वर,
पति पृथ्वी सारी जय 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 प्रभु जय हो तेरी पावन 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 ईश्वर। पवित्र है सारी पवित्रता का तू क्रिस्त का शरीर तथा रक्त पर जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब लो और खाओ, शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और यह हमारे विश्वास का रहस्य। तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है प्रभु और हमारे संपिता फ्रांसिस हमारे धर्म अध्यक्ष अने और सभी आचुओं के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुदीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु अपने सेवक जोसेफ थॉमस की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें वरदे की जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभाग्य हुए थे वैसे ही उनको पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु हमारे बंधुओं की भी हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम संत योसेफ प्रेरित करो सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर हमारे पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट ने ही हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से तू हमें बचा और उस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट
फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं, यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परमपिता की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर और हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग न हो जाएं। देखिए ईश्वर का मेमना और हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त, जो हमारा पुनरुत्थान और जीवन है, वो हमारे सारे पाप नष्ट कर देता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। Hymn number 608. Tere saath rehne Prabhu, ye dil mera tadpe. Tere saath rehne Prabhu, ye dil mera tadpe. तेरे साथ चलूं, तेरे साथ चलूं।
काम करूं, तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं, तेरी बात सुनने हे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे, तेरी बात सुनने हे प्रभु, यह दिल ऐसा वर दूंगा कि तुम मेरे विधानों का अनुसरण कर सको और मेरे आदेशों का विधिवत पालन करते रहो। इज़ीकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 36। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तेरा पावन प्रसाद हमें नया जीवन प्रदान करे और हमें पवित्र करके अनंत पुरस्कार के योग्य बनाए। यह वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आशीष प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, अपने भक्तों को तन मन से पुनः स्वस्थ कर दे, जिससे हम तेरी इच्छा के विरुद्ध विषय वासना में ना फंसकर आध्यात्मिक संकल्प से सुदृढ़ रहें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सब शक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लें, ईश्वर की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती ये अधिक प्रदर कुआरी मरिया, यह याद कर कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरे पास मदद मांगने और तेरे विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और जिसका सहाय छोड़ा गया हो। हे कुआरियों की कुआरी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कराते हुए पापी गर्मी में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के सक्षम की माँ, मेरे विनतियों को अस्वीकार मत कर, परंतु दया से सुन और पूरा कर। आमीन। अति प्यारी माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। हिम नंबर 529। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा कि मरे मिटेंगे प्यार।
मैं गाऊंगा गीत